हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑटोकैड में डायनेमिक डोर ब्लॉक क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं और यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखो, डायनेमिक डोर होते हैं इस टाइप के डोर जिसमें आप ये सारे फ्लिपिंग के ऑप्शन लगा सकते हैं, वर्टिकल फ्लिप कर सकते हैं, इसके स्ट्रेच कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल डोर बनाने से बेटर है आप एक डायनेमिक डोर बनाएं, ताकि आप इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट वगैरह को हर एक तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर पाए। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा टूल पैलेट पे। उसके लिए आप टूल्स पे क्लिक करें, टूल बार पे, यहाँ पे पैलेट पे क्लिक करें और यहाँ पे आएगा टूल पैलेट और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+3। आप इस पे क्लिक करें तो आपके पास एक टूल पैलेट आएगा और जिसमें आपको जाना है आर्किटेक्चरल पे। अगर आपको ये ना दिखाई दे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आर्किटेक्चरल पे क्लिक करना है, तो आपके पास आर्किटेक्चरल कुछ टूल पैलेट आएंगे। यहाँ पे डोर, विंडो, एल्यूमिनियम विंडो इन एलिवेशन, यहाँ पे टॉयलेट, ट्रीज, व्हीकल वगैरह, डोर एलिवेशन वगैरह सारी चीजें आपको मिलेंगी, जिसके अंदर पैरामीटर फिक्स किए गए हैं जिसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। एक न्यू बनाने से बेटर आप यहाँ से इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे डोर इंपीरियल। इंपीरियल मतलब अगर आप फिट इंचेस पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे डोर इंपीरियल आएगा। अगर आपको मैट्रिक पे करना है तो आप डोर मैट्रिक यूज कर सकते हैं, अगर आप एमएम पे काम कर रहे हैं तो। तो हम फिट इंचेस पे कर रहे हैं तो मैं लेयर चेंज करता हूँ, डोर इंपीरियल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे एक आपका डोर आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका एक डोर यहाँ पे आ जाएगा। इस डोर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ से आप फ्लिप कर सकते हो हॉरिजॉन्टल, यहाँ से वर्टिकल फ्लिप आप कर सकते हो इन एरोज की हेल्प से, यहाँ से आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो, कितना आपको स्ट्रेच करना है, कितना आपको इसका साइज रखना है, ये आप यहाँ पे स्ट्रेच कर सकते हो कितना आपको करना है। यहाँ से आप इस वॉल को स्ट्रेच कर सकते हो, ये आपकी वॉल थिकनेस को डिनोट करता है। यहाँ से आप इसे पिक करके कहीं पे मूव कर सकते हो, ये आपका अलाइनमेंट बटन होता है। और यहाँ पे ऑप्शन है कि आप इसे कितना ओपन करना चाहते हैं, तो आप क्लिक करें 30 डिग्री ओपन करना है, 45 डिग्री ओपन करना है, या 60 डिग्री ओपन करना है, या 90 डिग्री ओपन करना है। तो इस तरीके से आप अपने डोर को यहाँ पे यूज कर सकते हो या फिर क्लोज रखना है। यही चीज अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो आप क्या कर सकते हो, डोर लो यहाँ से, डोर इंपीरियल लिया यहाँ से, अब आपको यहाँ पे प्लेस करना है। देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होगी किस तरीके से प्लेस करना है, ठीक है। तो इसके लिए बेटर है कुछ इस तरीके से आ जाए तो आप प्लेस कर दें, सिलेक्ट करके आप फ्लिप कर दें और इसकी स्ट्रेच करके आप इस लेंथ तक ले आए, क्लियर है। कितना ओपन करना है यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी ओपनिंग डाल दो, मान लो 90 डिग्री ओपन करना है तो इस तरीके से डोर बन जाएगा, या फिर क्लोज करना है क्लोज कर सकते हो, या फिर आप इसे इस तरीके से ओपन रख सकते हो, क्लियर है। मान लो आप यहाँ पे क्लिक करके इतना ओपन कर रहे हो, अगर इस तरीके से प्लेस ना हो तो आप इसे मूव कर सकते हैं ऐसे, और फिर आप इसे मूव कमांड से सिलेक्ट करें और यहां से मूव कर दें ऐसे, प्लेस करके ऐसे भी आप इसे प्लेस कर सकते हो और इसे फ्लिप कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्लियर। अब बात आती है कि ये डोर्स बनते कैसे हैं, क्लियर। तो उसके लिए अब एक काम करते हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ कोई अराउंड 30 डिग्री मान लो, या फिर मैं अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने कॉपी की इस तरीके से, इसको मैं कर देता हूँ एक्सप्लोर, एक्स एंटर करके। अब ये देखो, ये इंडिविजुअल है, ये सारे आपके बना हुआ है, ये आपका इंडिविजुअल चल रहा है, क्लियर। अब इसको मैं इस तरीके से दोबारा बनाना है, डायनेमिक ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे इसे डायनेमिक ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें इसे ब्लॉक में कन्वर्ट करना होगा। ब्लॉक में कन्वर्ट करने के लिए आप प्रेस करोगे डी एंटर फॉर ब्लॉक, आप यहाँ पे नाम रखें, मान लो मैंने रखा D1 फॉर दिस डोर। पिक पॉइंट, मैं एक पिक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो और आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, एंटर, और यहाँ पे आप अलाउ एक्सप्लोरिंग पे चेक करें और यहाँ पे है ओपन इन ब्लॉक एडिटर। या तो आप डायरेक्टली इस पे चेक करके ओके करेंगे तो डायरेक्टली ये ब्लॉक एडिटर में ओपन हो जाएगा, या फिर अनचेक करके फिर इस पे राइट क्लिक करके ब्लॉक एडिटर पे आप जा सकते हैं। मान लो मैंने इसको ओके किया तो देखो आपका ब्लॉक एडिटर में ओपन हो गया। अगर इस तरीके से ओपन नहीं करते हैं तो आप इसे जैसे क्लोज करेंगे तो अब ये एज ए ब्लॉक है, तो आप इस पे राइट क्लिक करके भी यहाँ पे जा सकते हो ब्लॉक एडिटर पे, या फिर आप इस पे डबल क्लिक करेंगे आपके पास आएगा D1 जो सारे ब्लॉक्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ओके करेंगे तो भी आप ब्लॉक एडिटर पे जा सकते हैं। तो ये है आपका ब्लॉक एडिटर जहां पे आप अपने ब्लॉक को एडिट करोगे।
तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आएंगे, ये आपके ब्लॉक के टूल्स है, पैलेट टूल, जिसमें हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लगाएंगे। सबसे पहले मैं पैरामीटर लगाता हूँ ये वॉल की लेंथ पे। मान लो ये वॉल की लेंथ कितनी है, अगर मैं वॉल की लेंथ चेक करता हूँ यहाँ पे लीनियर टूल की हेल्प से, वन सेकेंड मैं बाहर जाता हूँ 1 मिनट, और यहां से मैं इसकी चेक करता हूँ लेंथ, ये है हमारी कोई अराउंड 6 इंचेस। तो आपको पता है ये वॉल थिकनेस को डिनोट करती है। अब हम फिट इंचेस में अगर काम कर रहे हैं, या तो हमें 9 इंचेस की वॉल थिकनेस चाहिए या फिर 4.5 इंचेस की वॉल थिकनेस चाहिए। तो मैं इसको सिलेक्ट करके मैं एक काम करता हूँ, मान लो ये मेरा ब्लॉक है, मैं इसे दोबारा से मान लो इस पर डबल क्लिक करता हूँ, एडिटर पे जाता हूँ, मैं इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देता हूँ बाई 3 इंचेस, मैं इसको 9 इंच का बना लेता हूँ, और इस वॉल को भी बाई 3 इंचेस। ये बाद में भी कर सकते हो, कोई जरूरी भी नहीं है। तो अब आपकी जो ये आप देख पाएंगे इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 9 इंचेस हो जाएगी, डबल क्लिक करके आप लेंथ देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम जाएंगे पैरामीटर पे, और सबसे पहला पैरामीटर हम यूज करेंगे लीनियर पैरामीटर। ध्यान से अब ये वाले स्टेप्स आपको थोड़े से ध्यान से देखने हैं, मैं इसको यहां से क्लोज करता हूँ। लीनियर पैरामीटर पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक करो, ये आ गया मेरा डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ मेरे पास 2 एरो आई हैं, ठीक है। अब मैं इन एरोस पे अपने एक्शन लगा सकता हूँ। यहाँ पे येलो कलर का एक वार्निंग आ रही है, इसका मतलब है अगर आप देखेंगे नो एक्शन एसोसिएटेड विद द पैरामीटर, अगर ये आ रहा है तो समझ लो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। तो अभी तक इस पे कोई एक्शन नहीं लगाया है, अब हम इस पे कोई एक्शन एसोसिएट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जाएंगे एक्शन पे, एक्शन पे क्लिक करें। एक्शन क्या लगाना है, हमें लगाना है स्ट्रेच एक्शन, कि अगर मैं इस वाले एरो पे क्लिक करके ड्रैग करूं तो वो चीज, वो आपकी लाइन स्ट्रेच हो जाए, क्लियर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेच पे क्लिक करेंगे, ये आपको बोलेगा सिलेक्ट पैरामीटर। पैरामीटर एक ये वाला है डिस्टेंस में, एक ये एरो और एक ये एरो है, तो आपको नीचे वाली लाइन पे क्लिक करना है। ये आपको बोलेगा स्पेसिफाई पैरामीटर पॉइंट टू एसोसिएट विद एक्शन और सेंटर। आपको क्या करना है, पॉइंट सिलेक्ट करना है जहां से आपको एसोसिएट करना है। तो मैंने इस वाली नोड को सिलेक्ट किया क्लिक करके। अब ये बोला फर्स्ट कॉर्नर, स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर ऑफ स्ट्रेच फ्रेम। हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से इस इन दोनों लाइन को एक फ्रेम के अंदर लेना है। अब आपको बोलते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारी एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो दोबारा से हम ड्रैग करके इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे और करेंगे एंटर। तो इस वाली लाइन पे ये वाला एसोसिएट हो जाएगा। अब मेरे को इस दूसरे एरो की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इस पॉइंट पे कोई एसोसिएशन नहीं चाहता। तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके मैं जाता हूँ प्रॉपर्टी पे, ये आपकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी डिस्टेंस की। तो आप नीचे आए, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रिप्स, एक ग्रिप नीचे एक ग्रिप ऊपर है, मैं इसको एक ही ग्रिप कर देता हूँ ताकि जिस पे मैंने प्रॉपर्टी नहीं लगाई वो ग्रिप आपकी हट जाएगी। तो आप ये देखेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी हट गई है और साथ में येलो कलर की जो वार्निंग थी वो आपकी हट चुकी है। अब हम इस ब्लॉक को यहाँ से चेक करेंगे। ब्लॉक को चेक करने के लिए यहाँ पे है टेस्ट ब्लॉक, टेस्ट ब्लॉक पे क्लिक करें। तो अब आप इस ब्लॉक को टेस्ट कर सकते हैं, आप इस पे क्लिक करें। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आप इस वॉल को दोनों को एक साथ स्ट्रेच कर सकते हैं जितना भी आपको स्ट्रेच करना है। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं जो इसे स्ट्रेच करना चाहता हूँ या तो ये 4.5 इंचेस स्ट्रेच हो या फिर 9 इंचेस स्ट्रेच हो, दो ही स्ट्रेच ऑप्शन मैं इस पे डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लोज टेक्स्ट ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रॉपर्टी पे जाता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वैल्यू सेट है, डिस्टेंस टाइप नन लिखा हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसे कर दे लिस्ट, और यहाँ पे 9 इंचेस की लिस्ट पे यहाँ पे क्लिक करें बॉक्स पे, आपके पास लिस्ट आएगी। एक तो 9 इंचेस, क्योंकि ऑलरेडी 9 इंचेस की मैंने लाइन ली थी तो 9 इंचेस यहाँ पे आ गया, और मैं यहाँ पे एक डाल दूंगा 4.5 इंचेस और ऐड कर दूंगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा एंड यहाँ पे करें ओके, क्लियर। अब ये दो ही वैल्यू सेट हो चुकी है। टेक्स्ट ब्लॉक एडिटर पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ से देखता हूँ कि इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये 9 इंचेस है। आप इसे क्लिक करके अब इससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता, या फिर मैं इसे कम कर सकता हूँ सिर्फ 4.5 इंचेस पे। डायरेक्टली 5 इंची शो कर रहे, तो मैं डी एंटर करके डायमेंशन पे जाऊंगा, मॉडिफाई पैरामीटर, और यहाँ पे आपके प्रिसाइज को इंक्रीज कर दूंगा। तो अब आपको दिखाएगा 4.5 इंचेस, क्लियर। तो ये वाली चीज मैंने सेट कर दी है, क्लोज किया, क्लोज टेक्स्ट ब्लॉक। अब हम करेंगे इसको कि इस वाली लाइन को अगर मैं इस तरीके से ड्रैग करूं तो इसकी लेंथ भी इंक्रीज हो, ठीक है। तो उसके लिए जो मैं यहाँ पे करूंगा, तो मैं स्ट्रेच कमांड यहाँ पे यूज करूंगा। स्ट्रेच पे क्लिक किया,
नहीं, पहले पैरामीटर पे जाऊंगा और पहले लीनियर पैरामीटर यहां से दोबारा से लूंगा। मैं यहां पे क्लिक करूंगा इस वाले पॉइंट पे, फिर इस वाले पॉइंट पे क्लिक करूंगा और ये डिस्टेंस मैं यहाँ पे ऐसे राइट कर दूंगा। फिर येलो मार्क, क्योंकि हमने एक्शन ही लगाया है, एक्शन पे क्लिक करेंगे, स्ट्रेच पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये रेक्टेंगल है जो आपका जो डोर का विड्थ है ये स्ट्रेच हो साथ में, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट पैरामीटर, पैरामीटर है मेरा डिस्टेंस टू, सिलेक्ट पॉइंट पॉइंट एसोसिएटेड विद दिस, मैं इस नोड पे क्लिक करूंगा। उसके बाद फर्स्ट कॉर्नर ऑफ स्ट्रेच फ्रेम, एक मेरे को फ्रेम बनाना और फ्रेम मैं इस तरीके से बनाऊंगा ताकि इस फ्रेम के अंदर ये आए और ये बोलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप इस पे क्लिक करें आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, अब आप करते हैं एंटर। ठीक है, तो अब आप देख पाएंगे अगर आप इसे टेस्ट करेंगे ब्लॉक को, तो अगर आप इस पे क्लिक करके ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो आप देखो वो उसके साथ स्ट्रेच हो जाएगा आपका। बट प्रॉब्लम क्या है, ये इसी एंगल पे स्ट्रेच नहीं हो रहा, वो नीचे की तरफ स्ट्रेच हो रहा है। इसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे और हम इस स्ट्रेच को सिलेक्ट करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे है ओवरराइड्स एंगल ऑफसेट, मैं यहाँ पे डाल दूंगा 30, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 30 के एंगल पे है। क्लियर। उसके बाद जब मैं इसे टेस्ट करूंगा, अब मैं इसे स्ट्रेच करूंगा तो आप देखेंगे वो सेम एंगल पे स्ट्रेच होगा। क्लियर। अब मैं चाहता हूं कि लाइन भी इसके साथ स्ट्रेच हो और ये भी इसके साथ स्केल हो, जो ये आपकी आर्क है, तो मैं यहां से इसे क्लोज करता हूं। उसके बाद अब मैं यहां पे इसको भी स्ट्रेचिंग के लिए डालूंगा, तो मैं सेम डिस्टेंस पे एक और स्ट्रेच एक्शन डालूंगा। मैं दोबारा से पैरामीटर पे जाके लीनियर नहीं लूंगा, मैं एक्शन पे जाऊंगा, स्ट्रेच पे क्लिक करूंगा, पैरामीटर ये मैंने सिलेक्ट किया, एसोसिएट मैंने ये किया। अब मैं करूंगा फर्स्ट कॉर्नर ऑफ स्ट्रेच, मैंने ये वाला सिलेक्ट किया और इसमें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट मेरे को सिलेक्ट करनी है लाइन, बट लाइन के ऊपर ये डिस्टेंस टू वाली लाइन ओवरलैप है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये शो होगा कि आपको लीनियर पैरामीटर सिलेक्ट करना है या आपको लाइन सिलेक्ट करनी है। अगर आपको ये दिखाई ना दे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है टॉगल बटन में सिलेक्शन साइकिल, तो आप इसे ऑन रखें ताकि आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दे कि किस चीज को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहां से मैं इसको लाइन को क्लिक करूंगा तो अब ये लाइन सिलेक्ट हुई एंड देन एंटर। अब ये लाइन भी मेरा साथ में स्ट्रेच होएगा। और उसके बाद इसको मैं करना चाहता हूँ स्केल, तो सेम पैरामीटर में स्केल भी प्रोवाइड करूंगा। मैंने स्केल पे क्लिक किया, डिस्टेंस टू पे क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया एंड एंटर, तो ये इसके साथ स्केल हो जाएगा। तो आप देखिए इस डिस्टेंस टू पे आपका एक तो ये स्ट्रेच है, एक ये स्ट्रेच है और एक ये मेरा ऑब्जेक्ट स्केल है। अगर मैं अब इसे टेस्ट करता हूं, अब आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे तो इसके साथ ही ये भी स्ट्रेच हो रहा है। क्लियर है। इस तरीके से आप कर सकते हो और इसके भी आप पैरामीटर डाल सकते हो यहाँ पे कि किस तरीके से ये कितना मेरे को स्ट्रेच करना है। अगर मैं यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे भी स्ट्रेच पे डाल सकते हो कि मेरे को कितना मैक्सिमम स्ट्रेच करना है, कि 3 फीट 3.5 3 फीट 6 इंचेस या 4 फीट पे जितना भी डोर की आप लेंथ चाहते हो। चलो अब बात करते हैं इसको फ्लिप करने के लिए। अब मैं इसको फ्लिप करना चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो मैं पैरामीटर पे जाऊंगा, यहाँ पे फ्लिप पे क्लिक करूंगा। अब मेरे को इसका चाहिए कहीं ना कहीं सेंटर, ताकि उस सेंटर के अकॉर्डिंग इसको मैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर पाऊं या वर्टिकल फ्लिप कर पाऊं। अब यहाँ पे ये सेंटर दिखा रहा है, बट इसका सेंटर एक्चुअल में देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, एल एंटर करता हूँ, एक लाइन लेता हूँ यहां से यहां तक, ताकि अब मैं फ्लिप लूं तो इसका सेंटर पॉइंट मेरे को शो हो जाए और मैं इसके सेंटर से यहाँ पे लाइन लगाऊंगा जिस तरीके से मिरर करते हैं, और यहाँ पे फ्लिप स्टेज वन को क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक एरो आ जाएगा यहाँ पे। इस एरो को मैं एक्शन पे जाऊंगा, फ्लिप पे क्लिक करूंगा, फ्लिप पैरामीटर को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे बोला सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मेरे को ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है सारा, क्योंकि फ्लिप तो मेरे को सबको करना है ना सिलेक्ट करके, बट लाइन को नहीं करना। मैं स्विफ्ट प्रेस करके इस लाइन को डिसलेक्ट करके एंटर कर दूंगा, ताकि मैं लाइन तो बाद में डिलीट भी कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखो हॉरिजॉन्टल फ्लिप होगा। अगर मैं इसको टेस्ट करता हूँ ब्लॉक को, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस पे क्लिक करेंगे, देखो ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो रहा है। क्लियर है। दोबारा से चलते हैं ब्लॉक एडिटर पे। अब मेरे को हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है दूसरे तरीके से, दोबारा से पैरामीटर, दोबारा से मैंने यहाँ पे फ्लिप लिया। अब मैं इसकी इस सेंटर से जाके, अब देखो ये मेरे को फ्लिप करना है इस लाइन के यहाँ पे। अगर मैं दोबारा से एक लाइन लेता हूँ, मैं इस लाइन को करता हूँ डिलीट, एक और लाइन लेता हूँ, वो इस वॉल के मिडल से मैं लेता हूँ यहाँ तक। मेरे को जो ये इस तरीके से फ्लिप करना है तो इस वॉल के सेंटर से मेरे को फ्लिप करना है,
तो अब मैं जो फ्लिप लूंगा यहाँ पे, मैं इसके ईस्ट वाले सेंटर से लूंगा और इस तरीके से मैं यहाँ पे फ्लिप करूंगा और एक पॉइंट में यहाँ पे लगाऊंगा, ये वाला पॉइंट मेरा यहाँ पे लगेगा। एक्शन पे क्लिक करूंगा, पैरामीटर पे क्लिक किया, ये पैरामीटर मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे मैं कंप्लीट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट प्रेस करके इसको डिसलेक्ट कर दूंगा या बाद में भी कर सकता हूँ, एंटर। अब मेरे को ये लाइन हटानी है, क्लिक करें, लाइन को सिलेक्ट करें और डिलीट करें, ये मेरी लाइन डिलीट हो गई है। टेस्ट ब्लॉक पे क्लिक करूंगा, अब मैं यहाँ पे इसको टेस्ट करता हूँ, ये देखो फ्लिप हॉरिजॉन्टल फ्लिप वर्टिकल, कितना मेरे को स्ट्रेच करना है और लाइन को कितना स्ट्रेच करना है वो आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक डायनेमिक डोर बना पाएंगे। उसके बाद मैं एक और चीज कर सकता हूँ, अलाइनमेंट के लिए मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरे को अलाइनमेंट बटन यहाँ पे चाहिए, तो आप इसको क्लिक करें और इस तरीके से आप क्लिक कर दे तो ये एक बटन आ जाएगा यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रिप। बेस पॉइंट आपको जहां पे भी डालना है वो बेस पॉइंट डाल सकते हैं, मान लो यहाँ पे बेस पॉइंट आपने डाल दिया। अब इन सब चीजों को करने के बाद आप यहाँ पे सेव कर दे ब्लॉक को, क्लोज कर दे ब्लॉक एडिटर, ये आपका सेव हो गया, ये आपका ब्लॉक आपका बन गया, ठीक है। अब इस ब्लॉक को आप अपने तरीके यूज कर सकते हैं कि आपको कितना फ्लिप करना है। आप इस ब्लॉक को यहाँ से मूव कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट किया, ये मैंने क्लिक किया और मान लो मेरे को मूव करना है यहाँ पे, ये मैंने मूव किया सिलेक्ट किया, इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ कि इतना चाहिए फ्लिप करना है। आप देखो इस तरीके से आप इसे बना सकते हो। आप करेंगे, आप एडिट करना है, दोबारा D1 पे क्लिक करें एंड इसे ओके करें, आप दोबारा इसके एडिटिंग पे जा सकते हैं और जहां पे भी आपको लगे कुछ कमी है उस कमी को यहाँ पे दूर कर सकते हैं और फिर दोबारा से इस चीज को सेव कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप एक डायनामिक डोर बना सकते हैं। आप और भी इसके अंदर पैरामीटर्स लगा सकते हैं, एक्शंस लगा सकते हैं। तो ये था डायनामिक डोर किस तरीके से बना सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, अगर मैं Ctrl+3 करता हूँ, विंडो, इन सब चीजों की भी बात हम धीरे धीरे करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने डायनामिक डोर को यहाँ पे क्लियर किया है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, और जितना हो सकता है अपने दोस्तों में इस वीडियो को फैला दें, व्हाट्सएप करें। एंड थैंक यू।